हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी हम लूडो खेल रहे थे छत पे और बड़ी बुरी तरह हारे हैं। ताऊ जी ने बहुत बुरी तरह हराया हमें। अभी मैगी बनाएंगे हम और मैगी बना के उसकी रेसिपी आपको दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया मैगी बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने देखा ही होगा कि पिछले दो दिन से व्लॉग मेरा आया नहीं है, दो तीन दिन हो गए। हाँ, और बस थोड़ा मूड ऑफ था और थोड़ा मन भी नहीं गया मेरा बनाने का। तो चलो ठीक है, जो भी है, अब चलते हैं किचन में। तो यार, हम आ चुके हैं किचन में और अब बनाएंगे मैगी। ये हमने ले ली प्याज, एक प्याज है, दो टमाटर हैं, साथ में मैगी मसाला है। अब हम तेल डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर प्याज डालता हूँ मैं। टमाटर, अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम थोड़ी मिर्च डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम डालेंगे मैगी मसाला। ये रात के सामने पेश है। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम पनीर डालेंगे। अब हम पनीर को अच्छे से फ्राई कर देंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। एक गिलास पानी और डालेंगे हम। अब इसके अंदर हम मैगी मसाला डालेंगे, मतलब मैगी के अंदर जो मसाला आता है, ये नॉर्मल वाला। तो तीन मैगी के पैकेट के हिसाब से हमने तीन मसाले डाल दिए। अब मैगी डालेंगे इसके अंदर।
अब इसको ढक के रख देता हूँ मैं। तो इसके अंदर उबाल आ चुका है, इसको खोलता हूँ मैं। मिनट हो चुके हैं फ्रेंड, तो अब हम इसको हटाएंगे। फ्रेंड्स देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है ये, देखो कितने पसीने आ चुके हैं मेरे को, और आपके लिए इतनी मेहनत करी है मैंने, और शक्ल देखो कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। ये देखो, ओए हो मज़ा आ गया। अब एक काम करते हैं, ज़रा हम इसको करते हैं सर्व। एक बड़ा सा बाउल ले लेना, अगर पीछे से शोर आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पापा और माता हमारी टीवी देख रहे हैं। पसीना रंग लाया है, खून और पसीना दोनों, खून नहीं सिर्फ पसीना और मेरी मेहनत दोनों ही रंग लाई है। अब जरा मम्मी को टेस्ट कराते हैं, बताइए कैसी है बनी। बढ़िया पास हो गई, चलो। और आप एक काम और कर सकते हो, इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, हमारे पास नहीं थी इसलिए मैंने डाली नहीं, और मटर मेरे को पसंद नहीं इसलिए मैं मटर होती तो भी नहीं डालता मैं, और अगर आपको छोटी वाली मटर सफल मटर जो होती है वो पसंद है वो भी डाल सकते हो। बाकी टेस्ट में बहुत अच्छी है, कोई स्पाइसी नहीं है, एकदम बढ़िया स्वाद है, और मेहनत लगेगी थोड़ा, लेकिन जो मज़ा आएगा स्वाद में वो तो अलग ही मज़ा आएगा। टेस्ट करो, खाओ और खुश रहो, खुश कर दो सबको खिला के। आप सोचोगे कि इतनी मेहनत क्यों करी एक सिंपल सी मैगी बनाने में, देखो जितनी मेहनत अगर आप करोगे ना उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा, और ये मेहनत अपने घर पे ट्राई करके देखना, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना कि आपने बनाई है, मतलब जो जो बंदा टैग करेगा मुझको, जो जो बनाएगा वो टैग करना मेरे को, और इन्जॉय करो। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहो और चैनल को फॉलो करते रहो, और इधर उधर सब जगह बांट दो, अड़ोसी पड़ोसी सब जगह, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, ठीक है। टाटा बाय बाय।